नमस्ते भैया। मुझे देखिए आज हम आ गए हैं और जो शर्ट लेके आई थी गैस उसको चेंज करने के लिए और कुछ शायद मैं लेके आई हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ पोलिस स्टेशन पे, यहाँ से एक गली है, मैं उस दुकान पे जाऊँगी जहाँ से लिखी। अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूरी प्रेस करिए। और हमारे साथ है आर्यन घर पे है, मैं मार्केट में हिल रही हूँ और इस मार्केट में हिलने के बाद चलती हूँ, तो बने रही डबल जेब वाला सेट भी सेट का आएगा। हाँ वो भी चलेगा, चलेगा। बाकी रेड कलर तो नहीं होगा, बाकी डबल जेब वाला ग्रीन है, कलर देखते हैं कलर जो भी है साल लगेगा देखना आपको। इसका गाइस आरू भाई अपने पसंद का कपड़ा लिए हैं और यहाँ से लेके निकल रहे हैं। और इस दुकान का नाम है राजा रानी कलेक्शन, राजा रानी कलेक्शन से लेके निकल गए हैं, अपने पसंद से लिए हैं। बोले हमको कुर्ता पैजामा चाहिए, ये कुर्ता पैजामा लिए हैं। मैं निकलती हूँ मार्केट में, कुछ लेती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ। चारों को सामान लेके हम निकल गए हैं पैदल घर के लिए। और इसी बेचारी का फोन आ गया था, वो मैं चाबी लेके चली आई हूँ यहाँ, वो वेट कर रहा है। और मैं जानते हैं आते वक्त ऑटो से आई थी तो आरो बोले थे मम्मी एक तरफ ऑटो चलना है एक तरफ है, अगर आरो नहीं आते तो मैं दोनों साइड आती और जाती दोनों पैदल, अपना धीरे धीरे चली जाती धीरे धीरे चली जाती, लेकिन आरो की वजह से मुझे ऑटो पे आना पड़ा। आरो पैदल चलने में कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है, इनको बेकार लग रहा है पैदल चलने में, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है धीरे धीरे चलने में। अभी तो तुम्हें तो पैदल चलना चाहिए, हाँ क्यों नहीं चलना चाहिए? सांस तो मेरी भी फूल रही है, तो बने रहिए घर पे, पहुँच के मिलती हूँ। A few moments later. देखिए गाइस इतना ढेर सारा फैला दिया, कुछ ज्यादा ही लग रहा है कपड़ा, तो देखिए जो है उठाना आपको कुछ कुछ कपड़े अभी यहाँ पे प्रेस करने को रखे हुए हैं, तो मम्मी अभी प्रेस लगाएंगी और प्रेस करेंगी। तो यहाँ पे इतने ढेर सारे कपड़े, इसमें से कुछ कपड़ा इतना फैला हुआ है और जाएगा सिर्फ कुछ तीन दिन के लिए जाना ही है, तो उसके लिए इतना ढेर सारा कपड़ा निकल गया है। देखिए आरो नाटक अपना दिखा रहा है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मार्केट से भी लोग आ गए, मेरे को नहीं लेके गए थे गाइस, बाज बालों में इतना बुरा गुस्सा आया था। सब लोग बोल रहे थे कि आर्यन आर्यन से कैसे बोलती हैं, और आर्यन का आर्यन को जब आर्यन मेरा बेटा है किसी चीज के लिए गुस्सा, उसमें ले सुबह लेट हो गया था आज ना नाश्ता बनाने के लिए, जो तुम बोल रहे थे कि यूट्यूब से देख के बोली है, तो मैं बोली कि क्या बोली थी यूट्यूब से क्या देखी, हाँ ये यूट्यूब से क्या देखी हूँ सब। आप लोग को नहीं पता है कि गाइस हमको बहुत लेट हो गया था और थोड़ा सा मेरा मूड भी बहुत ज्यादा कल से अपसेट था, और अब क्या मैं आप लोगों से शेयर करूँ, इतना ज्यादा अपसेट था कि मैं क्या दिल्ली जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि हाँ दिल्ली जाऊँ, सब टिकट कैंसिल करने का मन कर रहा था, लेकिन अब टिकट निकला है जाना ही पड़ेगा। बोलो तो अभी कैंसिल करो, कर दो, लेकिन मैं तो जा रहा हूं। अभी हम पैकिंग के लिए सारे कपड़े फैला दिए हैं, पहले आर्यन आरो का एक में कपड़ा रखेंगे, महंगा ब्लैक वाले के छोटे वाले में रखना, छोटे वाले में आराम से उठा लूंगा, छोटा वाला सूटकेस। सो गाइस देखिए मम्मी अभी तक पैकिंग ही कर रही है, अभी कहाँ कुछ कपड़े प्रेस नहीं, मेरा पूरा वहाँ कपड़ा है, भैया के अभी उसमें मिक्स कर दिया पूरा, यहाँ फैला के रखी है, यहाँ सूटकेस में रखी, ये नया वाले सूटकेस में लेके जाना है, अरे छोटे वाले में बड़े वाले में नहीं, अरे यहाँ मैं अपना साइन लिख कर ना वही दिख रहा है, क्या चीज अपना साइन पेंसिल लिख कराओ ना वही दिख रहा है। कौन सा गाना गा रही थी अभी, कौन गाना बज रहा था वही सोचो तो मेरा कितना दर्द करता होगा। आपका पैदल चलने का आदत, मेरा पैदल चलने का आदत भी नहीं तो भी चलाई,
मेरा कितना दर्द करता होगा सोचो। धीरे धीरे पूरा सामान हो चुका है हमारा पैक। मम्मी सोची थी कि एक ही ट्रॉली बैग लेके जाऊंगी, लेकिन दो हो गया है, एक ये वाला एक वो वाला। ठंडी का सीजन है ना, ठंडी का सीजन है तो वो भी देखना पड़ता है। आप दिमाग में एक ही सोची थी बोल भी रहे थे, लेकिन दो हो ही गया। इसको ठंडी लगेगा ऊपर रखी थी, ठंडी लगेगा तो ठंडी कुछ देर नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए सारा गाइस, अभी सब सामान जो रखा हुआ है। आपका तो बहुत बड़ा है, हम लोग का तो छोटा है। ऐसे उठाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा, आ जाओ। आ रहा, ऐसे लेके चलना सर पे। ऐसे नहीं रखे, ऐसे लेके चलना। ऐसे लेके चलना। सोच क्या रही हो, रखो तब बंद करो सबको। दांत है सर। देखिए गाइस धीरे धीरे हो रहा है। आरो बहुत खुश हो कि आरो का नया नया कपड़ा खरीदाया गया है ना। आरो तो आप लोग जुड़े ब्लॉग में मिलते हैं कुछ देर बाद। तो फाइनली गाइस इधर देखिए हमारा पैकिंग हो गया है। इधर देखिए, एक दो तीन, ये तीनों ब्लैक ब्लैक कलर लेके पैकिंग हो गया है। इधर आर्यन लेटे हुए है, घड़ी में बज गए गाइस 9:30। अभी को जस्ट मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगा के सारे कचरे इधर इकट्ठा कर दी हूँ, क्योंकि इतने ढेर सारे फैले हुए थे। अभी इधर देखिए, इधर अभी फैला है, इसे फोल्ड करना है। कुछ चीजें रह गई हैं, उसको भी देखना है गाइस। अब चल रही हूँ खाना पीना की तैयारी करने। जैसा कि आप ब्लॉग में देखे कि ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, जानती हूँ। पैकिंग तो हो गया है, लेकिन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जैसा कि कल से मूड काफी अपसेट है, मैं बताई आर्यन से रूडली इतना बात की। वैसे भी आर्यन बड़ा हो रहा है, उसकी कुछ कुछ हरकतें गाइस हमको पसंद नहीं आती। मैं मम्मी हूँ, मुझे अच्छा बुरा जो भी लगता है। सुबह भी काफी परेशान कर दिया था, और क्या परेशान किया, मतलब ये नहीं होता है कि चलो अच्छा मम्मी अकेली सारे काम को मैनेज करती हैं, तो मैं मम्मी से पूछ के, मतलब जितना मैं बोलूंगी उतना ये करेंगे। अपने से समझदारी होनी चाहिए कि हमारी मम्मी अकेले कैसे सारे काम को मैनेज करती हैं। इसके लिए ये छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, इतनी चालाकी है छोटे बच्चे के अंदर, इतनी समझदारी है, लेकिन ये इतने बड़े हो गए हैं, अगर से इनको सही ढंग से भाजी लेने आप भेज देंगे ना, तो भी नहीं लेके आ पाते हैं कि हाँ सही से लेके आ जाऊं। इसके लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि कब तक मुझे इतनी परेशानी और झंझटों से झेलना पड़ेगा। और इधर लेटे हुए हैं, आपको पता है कि इनको अगर मैं बोलूंगी मेरे साथ मार्केट चलो, तो मेरे साथ मार्केट नहीं जाते हैं, इनको शर्म आती है। जब अपना काम है ब्लॉगिंग करना, तो इसमें शर्म की क्या बात है, क्या शर्म की बात है। सब लोग क्यों नहीं शर्माते, अभी बाहर जाएंगे मैं अच्छा बोलूंगी। मेरे साथ जब जाती हो तो आपका आराम से 8 मिनट का वीडियो हो जाता है मार्केट से, और आज आती है 1 मिनट में पूरा मार्केट घूम के आ जाती हो। 1 मिनट में मार्केट घूम के आ जाती हूँ, हाथ में थैला रहता है, मोबाइल लेके अकेले भीड़ में नहीं होता है। फिर भी देखिये, यही बहस करता है, तो यही चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बहस जबान जो ये कैची की तरह चलता है ना, यही चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि हाँ मम्मी से कैसे किस तरीके से बात करना चाहिए। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगी, मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पढ़ाई को लेके गाइस मैं ज्यादा ही इनको बोलती हूँ, और कुछ भी नहीं बोलती हूँ कि मैं बोलती पढ़ने, आज सुबह से 100 बार बोली होंगी पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार भी बुक न इसका उठा, न आर्यन का, न आरओ का उठा। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगी, बताओ मैं कितना परेशान रहूंगी। इन लोग के लिए सब कुछ कर रही हूँ कि अपने लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैं इनसे रूडली थोड़ा सा बात करती हूँ, और कुछ बात नहीं है। कि अपने बच्चे को किसको दर्द नहीं होता है। अब बोलूंगी पढ़ने के लिए, कल ही पेपर खत्म हो गया तो पढ़ाई बंद हो जाएगा। पेपर स्टार्ट था, एक दिन भी बुक उठा के ये लड़का ना सुबह पढ़ा ना शाम पढ़ा, 4-4 घंटा पढ़ा, पूरे दिन का 4-4 घंटा लगातार पढ़ते रहते थे।
बस यही बात है, इसीलिए हमको ना एकदम रूडली बात करने का मन करता है। कभी कभी इतना ज्यादा मूड अपसेट कर देते हैं कि पूछो मत। मैं कैसे रहती हूँ, कैसे करती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। अकेले जो पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और सब चीज ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जो एक औरत के ऊपर रहता है, वो औरत किस तरीके से घर को संभालती है, कैसे करती है, चिड़चिड़ापन तो अंदर आ ही जाएगा। यही सब बातें हैं गाइस। और ये पैकिंग हो गया है और मन कर रहा है जाऊं ना, एकदम बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस वाले ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।